मुर्दे का मर्डर बहुत अच्छी कब्रिस्तान में जाके पहले तुमने एक कब्र को खोदा, फिर उसमें से मुर्दा बाहर निकाला, फिर उस मुर्दे को चाकू से मारा। अरे यार तुम पागल हो गए, मरे हुए को कोई मारता है भला? अरे बोलना क्या को किया ये हरकत? भैया ने कहा था। पलाश मैंने तुझसे कब कहा? तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं रात में जाग जाता हूँ, मैं पागलों की तरह हरकतें करता हूँ। वो जो कब्र खोदी है ना तुमने सैम मेंडिस की, पहचानते हो उसे? कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं सर, मैं नहीं जानता। सॉरी सर, आने में थोड़ी देर हो गई। हाँ बाबा ने झाड़ फूक में ज्यादा समय लगा दी होगी, माँ लेकर गई थी तुझे बाबा के पास। बैठ तो सही। सब आपको कैसे पता कि माँ मुझे बाबा के पास लेकर गई? कि तेरे हाथों में आज ये तवीज बंधा है जो कल नहीं बंधा था। तो तू तो इन बातों पर विश्वास नहीं करता, तो स्पष्ट है कि तेरी माँ ही तुझे लेकर गई होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि तुझे क्यों लेकर गई थी? अनुमान ये है कि तेरा ब्याह जल्दी हो। नहीं नहीं सर, शादी वादी कुछ नहीं होने वाली, और वैसे भी शेफाली और मैं तो अभी बच्चे। यू राइट सर, इन सब चीजों पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। ये तो बस माँ को चुप कराने के लिए मैं जोगी बाबा के पास चला गया। अच्छा, क्या है जोगी बाबा की स्पेशलिटी? सर कहते हैं उनकी तीसरी आंख जो वो देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। अच्छा अच्छा, तब तो तुमको बाबा के पास नहीं केडी के पास आना चाहिए था, क्योंकि केडी वो देख सकता है जो और कोई नहीं देख सकता। आई एग्री विद मिस्टर बिलमोर, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी इसका और शेफाली का ब्याह होने वाला है। सर प्लीज सर, शादी वादी की बात मत कीजिए। सर बताइए और कोई नया केस है? नहीं अब तक तो कुछ भी नहीं। ये तो वही चेला है जो लाश को चाकू से मारा और अभी गन से, अब तो पुलिस को बुलाने से मांगता है। ए, सुन। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं तो जिंदा हूं, तुम तो मुर्दे को मारते है ना। तो यहां पहुंचा कैसे? ये मेरे हाथ में गन कैसे? मैंने मारा इसे। मारा लेकिन पर वो मारा नहीं, वो तो पहले से ही। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये झूठ बोल रहा है, अब तो नाटक कर रहा है, कहता है वहां कहां से आ गया। मुझे तो लगता है कोई स्मगलर है जो लाशों के पेट चीरकर ड्रग्स डाल के उसे स्मगल करता है। ए, चुप। पुलिस वाले हम हैं, तुम नहीं। यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ये मुर्दों से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? कम से कम बेचारों को मरने के बाद आराम से सोने दो। सर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्या इस बार भी तुम्हारे भाई ने कहा कि जाके लाश को मारो? यस, मतलब हाँ, मतलब असली में नहीं, सपने में कहा था। सर आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए, पिछले कई दिनों से मैं बहुत अजीबोगरीब से सपने देख रहा हूँ। मैं ऐसा देखता हूँ जैसे मैं एक बहुत वीराने जगह पे हूँ जहाँ पे मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आता है और
ये लो सेरेनिटी ग्रेवयार्ड, पांचवें रो में आठवीं कब्र, सैम मेंडिस। उसकी बॉडी को निकालो और उसकी छाती में ये गाड़ दो। क्योंकि अगर तू उसे नहीं मारेगा तो वो मुझे मार देगा। अरे गधे, वो सपना था। अगर सपने में मैं कैटरीना से शादी कर लूं तो क्या मैं अगले दिन मंगलसूत्र लेके उसके घर पहुंच जाऊं? सर वो सपना नहीं सर, कुछ और ही था। एक जादू था सर, एक 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 नशा था जो धीरे 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 मेरे होशो हवास पर काबू पा लिया। ये वैसा ही सपना था जैसे तुमने पहले भी देखा था? हाँ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैंने देखा भैया, सेरेनिटी ग्रेवयार्ड, चौथे रो में पांचवी कब्र, स्पाइक जोन, तीन गोलियां। अब क्या करा रहे हो मुझसे? पिछली बार चाकू दिया, इस बार गन दे रहे हो आप। क्योंकि अगर तू उसे नहीं मारेगा तो वो मुझे मार देगा। भैया, एक लाश आपको कैसे मार सकती है? मार सकती नहीं, मार चुकी है पगले। भैया, ये अगर तूने उसे नहीं मारा तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जिंदगी भर मेरी आत्मा तुझे कोसती रहेगी। जा मेरे भाई, जा। तेरे भाई का भूत था, किसी ने उसके पीठ में कुल्हाड़ी। शायद सर आप सही कह रहे हैं, ये शायद एक बुरा सपना ही था सर। मतलब कुछ अजीबोगरीब सा सर, उसे कोई वो कराना चाह रहा है जो वो चाहता है। ये बारी तेरा भाई तेरे को बचाने नहीं आया? फाइन भी भारी लगेगा इस बार। भाई किधर है तेरा? भैया को मैंने कई बार फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठाए। चल अभी लगा। लगा? सर क्या कर रहे हैं सर? सर मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा सर? अच्छा, तो तुझे कैसे पता चला कि वो मर गया? और वो भी कुल्हाड़ी से? तूने अपने भाई का मर्डर किया और मार के ना उसे झाड़ी के पीछे फेंका। सारी चीजें मुझे सपने में आई थी सर। लेकिन सपना सच किसने किया? किसने किया? और मुझे क्या पता? बागमारे साहब, इसे छोड़ दीजिए, इसके भाई का असली कातिल पकड़ा गया है। कौन है वो? टेरेंस गोम्स। टेरेंस गोम्स जानता उसे? तेरे भाई को मार दिया? क्यों मारा मेरे भाई को? क्यों मारा मेरे भाई को? नहीं मारा मैं तेरे भाई को। देख शुरू में प्लीज मुझे बचा लीजिए। किडी सर, आप तो मुझे काफी टाइम से जानते हैं। आई एम अ वेरी ऑनेस्ट मैन सर। मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने किसी को नहीं मारा। इनफैक्ट मैं तो उसे जानता तक नहीं, और जिसे मैं जानता तक नहीं उसे मैं क्यों मारूंगा सर? यही तो हमारा सवाल है। जिस आदमी को तुम जानते ही नहीं उसका इतना बेरहमी से कत्ल क्यों किया तुमने? खैर, ये क्या है? ये तो इन्वेस्टर्स लिस्ट की कॉपी है। राइट, तो इसमें सबसे लास्ट नाम किसका है? आपका है योर ऑनर। मरहूम अंकित अरोरा एआरपी केमिकल्स के मालिक थे और एक बहुत ही बड़े स्टॉक एक्सचेंज स्कैम में फंस गए थे जिसमें कई इन्वेस्टर्स के पूरी जीवन भर की कमाई डूब गई थी। उन इन्वेस्टर्स में एक नाम था मिस्टर टेनिस होम्स। हाँ, पर अपने नुकसान की भरपाई आपने अंकित का खून करके की। दिशा जी की बात सत्य है, मेरे मुखिल ने अंकित अरोरा जी के साथ निवेश किया था, किंतु केवल 8,000 रुपयों का नुकसान हुआ है। अब 8,000 रुपयों के लिए कोई किसी की हत्या क्यों करेगा? वजह कोई भी हो, खून इसी आदमी ने किया है। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? एक नहीं, कई हैं। मेरा पहला सबूत, मर्डर विक्टिम अंकित अरोरा की लाश की मुट्ठी में ये अंगूठी मिली जो टेरेंस गोम्स की है।
मुझे नहीं पता कि ये रिंग वहाँ पे कैसे। लेट मी फिनिश फर्स्ट योर ऑनर। मेरा दूसरा सबूत, जिन झाड़ियों में वो लाश मिली वहाँ पे एक गाड़ी के टायर के निशान मिले। पुलिस ने उन टायर के निशानों को टेरेंस की गाड़ी से मैच किया, तो वो निशान ही नहीं योर ऑनर, उस टायर में फंसी हुई मिट्टी भी उसी जगह की थी। और मेरा तीसरा सबूत, मरहूम अंकित अरोरा के फोन से किया गया लास्ट डायल नंबर मिस्टर टेरेंस होम्स का ही है। तो मौकाए वारदात पे टेरेंस की मौजूदगी के एक नहीं तीन तीन सबूत हैं। दिशा जी, मैं बहुत ज्यादा टोक रहा हूँ। एक दुविधा है मेरे मन में, अगर आप उसे सुलझा दे तो आपका आभारी रहूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अरोरा साहब की मृत्यु 10 और 10:30 के बीच हुई, किंतु ये फोन कॉल, अंतिम फोन कॉल जिसकी आप बात कर रही हैं, वो उनके दूरभाष यंत्र से 11:09 पर किया गया। मेरा प्रश्न ये है कि मृत्यु के बाद कोई अपने मोबाइल फोन का उपयोग कैसे कर सकता है? देखिए मिस्टर पाटिल जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आधा एक घंटा आगे पीछे हो सकती है, खून 11:15 भी हो सकता है। आई मीन ऐसे पहले भी हो चुका है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। सर सर, लेकिन मैं उस रात घर से निकला ही नहीं। प्रोसिक्यूशन कुछ भी कह रहा है सर, आप चाहे तो किसे भी पूछ लीजिए। सर सर, मैं उस रात घर पे ही था, फुटबॉल मैच देख रहा था सर मैं। तो ये बात तो आपकी पत्नी भी मान लेगी राइट? सिल्विया, सिल्विया गोम्स योर ऑन, टेरेंस की पत्नी। मेरे हस्बैंड उस रात घर पर नहीं थे, झूठ बोल रहे हैं। इनफैक्ट ये तो उस दिन 12:30 रात को घर आए, और जब ये घर आए, परेश तुम कहाँ थे? मैं तब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ। ओह माय गॉड, और ये फोन, ओह गॉड, आर यू ओके? मैं ओके हूँ। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बीच बीच में कुत्ता आ गया हूँ, उसको बचाने के चक्कर में मैं। झूठ झूठ बोल रही है। आपकी अपनी पत्नी आपके खिलाफ झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि हमारा डिवोर्स होने वाला है, और ये मुझसे नफरत करती है, चाहती है कि मैं जेल चला जाऊं, ताकि मेरा फ्लैट और मेरी बाकी की सारी चीजें इसकी हो जाएं। सर मैं आपसे सच कह रहा हूं केडी सर। आप बताइए सिल्विया जी, कि आपके पति देव देर रात किसी की हत्या करके लहू से सना हुआ कमीज पहनकर घर आए, कमीज का क्या किया आपने? उसे कहीं रख दिया, जला दिया, छुपा दिया, क्या क्या? टेरेंस ने उसे कहीं फेंक दिया। सर टेरेंस ने कहीं फेंक दिया था उसे? कहाँ फेंक दिया बताइए सर। मैं बता सकता हूँ। पलश अरोरा, आप तो वही है जिन्होंने अपने भैया की हत्या पहले ही देख ली थी। हत्या नहीं देखी थी सर। क्या देखा? लाश देखी थी अपने भाई की, उसके पीठ में कुल्हाड़ी लगी थी। मिस्टर पलाश, भला ये कैसे मुमकिन है कि आपने अपने भाई की मौत होने से पहले ही देख ली? मुझे नहीं पता सर, करीब 1 महीने पहले अपने बुरे लक से बचने के लिए मैं एक तांत्रिक बाबा से मिला था, जिसके बाद सर मुझे अजीब अजीब से सपने आने लगे जो आगे जाकर के सच हो जाते। अपने में देखते थे, वही बात सच हो जाती थी। कैसे कैसे होता था सर? मुझे नहीं पता कब क्यों कैसे, लेकिन मैं आपको वही बता सकता हूँ जो अब तक मेरे साथ हुआ है और जो हो रहा है। क्या हुआ बताइए? अंकित भैया मेरे सपने में कल रात फिर आए थे। क्या, मरने के बाद? जी भैया मेरे सपने में आए और आई। भैया पुलिस को मेरी लाश मिली, लेकिन मेरा कातिल अब तक नहीं मिला है। जानना चाहता है मेरा कातिल कौन? हाँ। मड़ा आइलैंड में शिवम बंगले के पीछे कूड़ेदान में मेरे कातिल का सबूत मिलेगा। योर ऑनर, अब किसी के सपने में आई हुई जानकारी पर अदालत कैसे विश्वास कर सकती है? लेकिन हम इसे झूठलाई में कैसे मिस्टर पाठक? एक कॉन्सेप्ट है प्रिमोनिशन, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? पूर्वाभास। यस करेक्ट, पूर्वाभास। तो सर
मगर पूर्वाभास के किस्से हमारे लिए नए नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आगे होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल जाता है उनके छठे इंद्रिय से, जिसे सिक्स सेंस भी कहते हैं। तो उस हिसाब से हमें पलाश की सारी बातों को टोटली नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें कुछ बातों को आजमा भी लेना चाहिए। क्यों मिस्टर पाठक, व्हाट टू लूज। सच से याद आया, आपसे भी मैं एक सच जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस रात को आपके भाई की हत्या की गई, आप कहाँ थे उस रात? मैं याद नहीं आ रहा। सेरेनिटी कब्रिस्तान में मैं कब्र खोद रहा था और पकड़ा गया। कब्र खोदते हुए पकड़े गए थे यार। और सुना है कि आपने कब्र में जो मृत व्यक्ति था उसे अपने भाई के लाइसेंस गन से 3 गोलियां भी मारी। What? विचित्र बात है योर ऑनर, इसकी अलग से छानबीन हो रही है। ये इनका मानसिक प्रॉब्लम है। तो मतलब आप क्या करना चाहते हैं? एक ऐसे व्यक्ति की बातों पर भी नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के सपनों पर आप विश्वास करना चाहती हैं जो एक मानसिक रोगी है? मिस्टर पाठक, ये मानसिक रोगी है, खूनी नहीं। और इस बात की पुष्टि आपने कैसे? बड़ी आसानी से। इनके भाई का खून 10 और 10:30 के बीच में हुआ, तब मिस्टर पलाश अरोरा कब्रिस्तान से लेकर पुलिस चौकी में थे। कुछ समय पहले तो आपने स्वयं कहा था कि संभव है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई भूल हो गई हो और हत्या 11 बजे के बाद 11:15 को हुई। 11:30 बजे भी मिस्टर पलाश अरोरा पुलिस के सामने ही थे। मिस्टर पाठक, आपको छोड़ के पूरी अदालत देख सकती है कि उस रात क्या हुआ। अंकित ने फोन करके टेरेंस को वहाँ बुलाया। टेरेंस वहाँ पे पहुँचा, वहाँ उनकी फूफू मैं हो गई और टेरेंस ने गुस्से में आकर अंकित का खून कर दिया। से सने हुए कपड़ों के साथ वो घर पहुंचे। अब वो शर्ट है जो मेरी दलीलों को सच साबित कर सकता है और मिस्टर पाठक आपकी दलीलों को झूठ साबित कर सकता है। योर ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, क्या पुलिस को आदेश दे कि वो शर्ट जल्द से जल्द ढूंढ निकाले। ये अदालत पुलिस को निर्देश देती है कि उस खून से रंगी शर्ट को जल्द से जल्द बरामद करके अदालत में पेश करे। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू वेरी मच। क्या बोल? पलाश ने जो अगर बताई थी वहां से पुलिस ने खून से सनी हुई एक कमीज प्राप्त की है। जांच से पता चला है कि वो कमीज पेरेंट्स की है और बहू अंकित का। ओह गॉड, अब तो तुम्हारा क्लाइंट गया। तो ये बात पलाश ने सपने में देखी। अनबिलीवेबल। सपने सच होते हैं ये तो सुना था, लेकिन इस प्रकार से वो जो दो मृत लोग थे जिन पर गोली चलाई थी। सर, सैम मेंडिस और स्पाइक जो। सैम मेंडिस और स्पाइक जो। हो सकता है कि दोनों में कोई समानता कोई बड़ी हो जो हमें इस केस में नहीं रोशनी दे। पता लगा सर? मैंने सुना है कि उस पागल आदमी ने किस तरह मेरे डेड हस्बैंड की ग्रेव को खोद के उसकी लाश को चाकू से मारा। शेमफुल एक्ट। आपके हस्बैंड का उस लाश, मिस्टर स्पाइक जोन से कोई कनेक्शन? वो दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे। और उन दोनों की मौत? पनवेल में कार एक्सीडेंट से। स्पाइक और सैम बिजनेस मीटिंग से वापस आ रहे थे पूना रोड से, तो रास्ते में उसकी कार का दूसरी कार से एक्सीडेंट हो गया। I'm really sorry, man. But please don't mind. आखिरी सवाल, क्या आप या फिर आपके पति ने कभी मिस्टर अंकित और मिस्टर पलाश अरोड़ा को कभी देखा है? हम तो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। एक स्ट्रेंजर हमारे हस्बैंड की बॉडी को इस तरह कैसे अटैक कर सकता है? थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।
मिसेस मेंडिस जी, ये मिस्टर जोन्स और मिस्टर मेंडिस के साथ ये लड़का कौन है? ये मिस्टर जोन्स का गॉडसन टेरेंस है, उसके बेटे जैसा। मिसेस मेंडिस, क्या मैं ये फोटोग्राफ बोरो कर सकता? या श्योर। थैंक यू। वरुण, जिन मर्दों पर पलस ने अंकित के कहने पर गोली चलाई थी उनमें से एक टेरेंस के पिता समान थे। समझ में नहीं आ रहा ये बुद्धि सुलझ रही है या और उलझ रही है। हाँ, अंकल जोन्स मेरे फादर की तरह थे। उनका और अंकल सैम की डेथ एक कार एक्सीडेंट में। अदालत में जिन दो लाशों की बात हुई थी वो यही थे जी। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आर यू श्योर? यस सर। सर वो प्रीमोनिशन वाली बात, हाउ इज इट पॉसिबल सर? क्यों नहीं हो सकता? न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जेमोलॉजी, आखिर ये सब है क्या? कल के होने वाली चीजों को पहले ही बता देते। तो आपने ही पलश को वो शक्ति दी है जिससे वो सपने में होने वाली घटना को पहले से देख सकते हैं? हाँ हाँ, शक्ति देने वाला तो वो है, मैं तो मात्र माध्यम हूँ। हाँ, पलश यहाँ आया जरूर था और वो काफी घबराया हुआ, काफी चिंतित था अपने आने वाले कल को लेकर के, इसलिए मैंने उसे अपना एक चमत्कारी एस्ट्रोजेम तावीज दिया जिसे पहनने के बाद वो अपने आने वाले कल को पहले ही आभास कर सकता था। और वो मुर्दों की जान लेना, ये भी आपके तावीज के जादू टोने की वजह से हुआ है? अब नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या होता है ना, कई बार इंसान के अंदर खुद ब खुद बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, और जब इंसान के अंदर की शक्तियाँ मेरे दिए हुए तावीज के स्टोन में लगी शक्तियों के साथ टकराती हैं, नतीजा कुछ भी हो सकता है। तावीज के साइड इफेक्ट्स? या समथिंग लाइक दैट। अगर आप चाहें तो मैं भी आपको अपना ये चमत्कारी एस्ट्रोजेम तावीज दे सकता हूँ, इसे पहनकर आप भी अपने भविष्य को देख सकते हैं। दिस इज ऑसम, द पावर टू नो द फ्यूचर। श्योर, थैंक यू सो मच, मेरी लाइन में बहुत काम आएगा। वन सेक। 11,101 वैट इंक्लूडेड। वैट इंक्लूडेड? या। योर ऑनर, मिस्टर पाठक का ये केस जीतने का सपना सच होते हुए नजर नहीं आता, लेकिन हाँ, मिस्टर पलश ने जो अपने सपने के बारे में पिछली अदालत में कहा था वो सच साबित हो चुका है। हमें टेरेंस की शर्ट मिल गई। ये शर्ट मिल तो गया आपको, किंतु योर ऑनर, इस लाल में कुछ काला है। फिर कहने का मतलब, इस शर्ट के पीछे की ओर लहू लगाओ, जबकि हम सब जानते हैं इस केस में कि अंकित अरोरा की हत्या से जरा पलट उतरनी, ऐसे पीठ पर। नहीं नहीं, चिंता मत करिए, मेरी पकड़ बहुत मजबूत है, इस कुल्हाड़ी पर भी और इस केस पर भी। तो जैसा कि मैं कह रहा था योर ऑनर, अगर हम ये मान लें कि टेरेंस जी ने अंकित जी के पीठ पर कुल्हाड़ी से वार किया योर ऑनर, तो लहू इनके शर्ट की आगे की ओर छिड़कना चाहिए, ना कि पीछे की ओर। मुझे ऐसा लगता है योर ऑनर की हत्या के पश्चात किसी ने टेरेंस जी की कमीज चुराई और फिर उससे अंकित का लहू लगाया। प्लीज मिस्टर पाठक, आप नाक यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, चीजें राइट में उड़ाओ या लेफ्ट में, सारी आकर गिरेंगी आपके मोक्किल पर ही। यस, बिकॉज ही इज अ मर्डर विद अ सर्टिफाइड मोटिव। सर्टिफिकेट है तो उस पर लगाइए मोहर, करिए कुछ। योर ऑनर, मैं मिस्टर अंकित अरोरा की बीवी मिसेस नीलिमा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है? नीलिमा जी, जब से अदालत शुरू हुई है हम सबके मन में एक सवाल है कि आपके पति मिस्टर अंकित अरोरा और टेरेंस जोन्स में क्या संबंध थे? अब टेरेंस जी तो हमें कुछ नहीं बता रहे, क्या आप हमें बता सकती हैं? सर, 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड अंकित अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करने करजत गए थे, लेकिन वो जब से वहाँ से लौटे कुछ बदल गए थे। बदल गए थे? भला वो किस तरह? जी, वो रात में उठकर आधी नींद में चिल्लाने लगते थे। क्या हुआ? बहुत बुरा सपना देखा। ये सपना तो तुम हर रात देख रहे हो,
क्या हुआ है? कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अर्जेंट से गाड़ी पे आ रहा था, नशे की हालत में चालक मेरी गाड़ी के सामने। मैं वहां रुका भी नहीं, वहां से भाग गया। अगले दिन पेपर मैंने उन दोनों की फोटोज देखी, उनका एक्सीडेंट हो गया। हर रात वो मुझे सोने नहीं देते हैं, कब्र से जाग कर आते हैं मुझे मारने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे बचा लो नीलिमा। मैंने अंकित का ये राज अपने अंदर ही रखा था, लेकिन जब बात इस लड़के पर आई तब बात मेरे समझ में आई। मिस्टर टेरेंस ने अपने पिता समान गॉडफादर स्पाइक जोन्स की हत्या का बदला लिया। योर ऑनर, इट्स श्योर रिवेंज। व्हाट? नो, मुझे तो अब पता चला कि मेरे अंकल को इनके पति ने मारा है। बस टेरेंस बस, अपने करतूतों को छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे गॉडफादर की डेथ से तुम तिलमिला उठी। तुमने उनके हत्यारे अंकित अरोरा को ढूंढने की कोशिश की, उससे संपर्क किया, उसे किसी बहाने मिलने को बुलाया और उसकी हत्या कर दी। नो, नो यार, नो, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इस केस की अगली सुनवाई 2 सितंबर 2014 को होगी, तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। सर, अब मुझे समझ में आ रहा है कि अंकित भैया मेरे सपने में आकर के बार बार क्यों कहते थे कि उन मुर्दों को जाकर के मार डाले। शायद उन्हें डर हो गया था सर कि वो मुर्दे उन्हें ना मार डाले। तुम्हारे इस सपने वाली बात पर विश्वास करना मेरे लिए कठिन भी है, असंभव भी। लेकिन अगर मैं आपको फिर से कहूँ कि कल रात भी अंकित भैया मेरे सपने में आए थे तो। भाई, कल अदालत में मेरी मौत का सही फैसला आ जाएगा और मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जिस तरह मेरी आत्मा को शांति मिली है, उसी तरह मैं चाहता हूं कि सैम मेंडिस और स्पाइक जोन्स की आत्मा को भी शांति मिले। ये दो रीत लो, उन दोनों की कब्रों पर चढ़ा दो। हम दोनों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, हम दोनों की तरफ से माफी मांगो। भैया की आत्मा को तो शांति मिल गई, पर मैं चलता हूं सर। एक मिनट, क्या तुम्हें वास्तव में ऐसा लगता है कि सपने ही तुम्हें आते हैं? वो इस तावीज के कारण है? तो यही लगने लगा है सर, इसी की वजह से मेरे भाई का कातिल भी मिल गया। मैं तो कहता हूं सर कि आप भी जाकर के मिलिए उस बाबा से। मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरा सहायक वरुण मिल चुका है। बाकी अगली अदालत में बात करते हैं। काम हो जाना चाहिए। केडी साहब, आपका शक बिल्कुल सही था। आपने जैसा तो? केडी साहब, केडी
के लिए आई हूँ, ओके? सब आप अपने ऑफिस में सो रहे हो? हाँ मतलब मेरे ऑफिस में मैं सो रहा हूँ, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन सोते सोते जो सपना आता है, सपने में मुझे सब कुछ पता चल गया। अब कल अदालत में इस केस का दूध और पानी का पानी। क्या बात है मिस्टर पाठक, बाबा की ऐसी चीजों पर आप कब से विश्वास करने लगे? अंग्रेजी में एक बहुत पुरानी कहावत है दिशा जी, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, अर्थात अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके दल में शामिल हो जाइए। और मैंने भी ऐसा किया, मतलब ये जो इसे आजमाया और जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, मतलब जो हुआ उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। और मैंने जो देखा सपने में, मैंने सपने में सोचा नहीं था कि ऐसा सपना मैं देखूं। मिस्टर पाठक आप कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, हुआ ये कि इस ब्रेसलेट को आजमाने के लिए पलश की तरह मैं भी इसे पहनकर सोया और सपने में मैंने देखा कि एडी पाठक, अंकित। हाँ केडी, मैं अंकित हूँ और मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। लेकिन तुम्हारे भाई पलश ने तो कहा था कि तुम अदालत के न्याय से संतुष्ट। मनुष्य भी अजीब प्राणी होता है, उसे ना तो जीवित रहते संतुष्टि मिलती है ना ही मरने के उपरांत। सत्य तो ये है कि टेरेंस होम्स मेरा हत्यारा नहीं। सुपर मिस्टर पाठक, मुझे यकीन था आप ऐसा ही सपना देखोगे जहाँ पे आपका मुवक्किल निर्दोष है और कोई और दोषी। वेरी कन्वीनियंट। देखिए, मैंने कहा अंकित जी से कि सपनों पर और एक एक वकील की बातों पर अदालत विश्वास नहीं करती, सबूत चाहिए। आप सपनों में भी सबूत को नहीं छोड़ते। इसलिए तो मैंने अंकित से कहा कि मुझे सबूत दीजिए और दिया उन्हें। ये क्या है? ये वो रीत है जो पुलिस को मेरी लाश के सामने मिली। आपके भाई पलश ने तो कहा था कि आप इसे दो माला लेकर गए। सही कहा है उसने, दो रीत थी, दो कब्र पर डालने के लिए। लेकिन उससे पहले किसी ने मेरी कब्र खोद दी। किसने? उसी ने जिसके पास दूसरी रीत है जो अब तक पुलिस को नहीं मिली है। आप दो मालाएं लेकर गए थे, मिली एक तो दूसरी कहाँ है? गाड़ी नंबर MH04AL949। मिस्टर पाठक, इस तरह से अदालत में सपने बयान करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। नहीं यार, योर ऑनर, अब मैं सपने की ही वास्तविकता की बात करूंगा। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने अपने सहायक वरुण को उस गाड़ी को खोजने भेजा, क्योंकि मैं जानता था कि वो गाड़ी किसकी है। योर ऑनर, इस गुलाब की पंखुड़ी का मैंने लैब टेस्ट करवाया और रिपोर्ट अनुसार ये उस गुलाब से है जो 20 दिन पहले सूख गया, और ठीक 20 दिन पहले योर ऑनर अंकित अरोरा की हत्या भी हुई थी। अर्थात ये सूखी हुई पंखुड़ी उसी फूलों की माला थी जो अंकित अरोरा अपने साथ लेकर गए थे। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? मैं ये कहना चाहता हूँ योर ऑनर, ये फूलों की पंखुड़ी उसी गाड़ी से मिली जिस गाड़ी में वो फूलों की माला थी। उसी गाड़ी में अंकित अरोरा भी थे। अंकित अरोरा उस दिन दो फूलों की माला अपने साथ लेकर गए थे, सैम मेंडिस और स्पाइक जोन्स की कब्र पर चढ़ा। किंतु योर ऑनर, एक फूलों की माला गाड़ी के अंदर ही रह गई, उसी की ये पंखुड़ी। हत्यारा अंकित जी की हत्या करके गाड़ी लेकर फरार हो गया। बाद में जब उसे वो फूलों की माला मिली, उसने माला भी कहीं फेंक दी। किंतु योर ऑनर, जैसा कि कहते हैं, छोटा सा सबूत रह ही जाता है। लेकिन मिस्टर पाठक, ये गाड़ी है किसकी? उसी की गाड़ी का नंबर है जिसने मुझे मारने से पहले
टेरेंस होम्स का पता लगाया, उसका मोबाइल हासिल किया ताकि मेरे मरने के बाद वो उस मोबाइल से मेरा फोन डायल कर सके, उसकी अंगूठी और उसकी शर्ट चुराई ताकि उस पर मेरा खून लगा सके। ऐसी टेरेंस बुरी और बुरी तरह घुस जाए, उसकी गाड़ी के टायर के निशान। योर ऑनर, इन्हें बुलाओ, उससे पहले मैं एक बात बताना तो भूल गया। जो गाड़ी मौका वारदात से थी वो गाड़ी टेरेंस की गाड़ी नहीं। तो वहां पर टेरेंस की गाड़ी के टायर के निशान कैसे मिले? मैं समझाता हूँ। वो हुआ ऐसा ही, क्या रहने बड़ी चालाकी से अपनी गाड़ी के टायर निकाल कर टेरेंस की गाड़ी में लगा दिए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि टेरेंस की गाड़ी मौका वारदात में थी। तो अब आप ये कैसे साबित करेंगे? ये साबित हो चुका है, मैं बता क्योंकि योर ऑनर, एक महीने पहले ही टेरेंस ने अपनी गाड़ी में नए टायर लगवाए थे और जिस दुकान से टायर लगवाए थे उस दुकान की रसीद आपके मेज पर रखी हुई है। इस समय टेरेंस की गाड़ी में जो टायर लगे हैं योर ऑनर, वो बहुत पुराने घिसे हुए टायर हैं, नए हैं नहीं। स्पष्ट है योर ऑनर कि हत्यारे ने टायर की अदल बदल की है टेरेंस को फंसाने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि टेरेंस के पास अंकित अरोरा की हत्या का मकसद है इनकी गॉडफादर की मिस्ट्री। यूर राइट मिस्टर पाठक, ये टायर तो बदले गए हैं। तो खून किसने किया है? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, तुम्हारा भाई पलश। हाँ, मेरा भाई पलश। ये झूठ है। अरे अपने भाई ने मुझे ये बताया तो फिर ये बात झूठ कैसे हो सकती है? भैया आपके सपने में कैसे आ सकते हैं? जैसे तुम्हारे इस तावीज वाले ब्रेसलेट द्वारा तुम्हारे सपने में, वैसे ही मेरे तावीज वाले ब्रेसलेट द्वारा मेरे सपने में। ये नहीं हो सकता है सर। मतलब तुम सपना देखो तो सच और मैं सपना देखूं तो झूठ? और फिर ये जो सारी बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे भाई ने मुझे बताई, वो मुझे कैसे पता चले? तुम्हारे भाई ने बताई? मैंने अपने भाई को नहीं मारा। आप फंसा रहे हैं आप मुझे। अरे पर क्यों हो भैया, आपके सपने में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? ये तावीज क्या है? ये नकली है, झूठी है? मैंने अपने भाई को नहीं मारा। तो फिर वो लाड़ी जिससे तुम्हारे भाई की हत्या हुई वो तुमने क्यों खरीदी? खरीदी थी ना तुम्ही ने, याद है? हाइपर मार्केट मलाड। शायद तुम जानते नहीं थे कि आजकल हर जगह कैमरे लगे हुए थे और एक कैमरा में कैद हो तुम, नीली पैंट नीली शर्ट पहने हुए, कुलाड़ी के पैसे दे रहे हो तुम, और वो फुटेज मेरे पास, आप कहें तो चला दूं। अब देखो, कुलाड़ी तुम्हारी, गाड़ी तुम्हारी, भाई तुम्हारा, भाई की मृत्यु से लाभ तुम्हारा। देखिए अब आप कहेंगे कि वो कुलाड़ी आपने खरीदी थी, वहां से आप वहां गए थे, लेकिन वो ये कुल्हाड़ी नहीं, कोई और कुल्हाड़ी है और वो झाड़ काटने के लिए आपने वो कुल्हाड़ी खरीदी थी। तो फिर मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी गाड़ी के पिछले वाली सीट पर ताही नहीं थे, तुम्हारे ही भाई के लहू के सूखे हुए अंश। अगर चाहो तो मैं साबित कर सकता हूँ, लैब की रिपोर्ट मेरे पास है, मेरा समय क्यों जाया कर रहे हो? कबूल कर लो, अपने भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, मैंने मारा है अपने भाई को। आर्डर आर्डर। मैंने ही मारा है अपने भाई को, क्योंकि मेरे भाई के मरने के बाद उसकी आधी कंपनी मेरे नाम पे हो जाती, इसीलिए मैं हमेशा फिराक में रहता था। भैया ने मुझे अपने एक्सीडेंट का राज बताया। उसी दौरान मैं तांत्रिक बाबा तारकनाथ से मिला और उनके दिए हुए ताबीज से मुझे आइडिया आया। फिर मैंने भैया के राज को रिसर्च किया और वहां से मुझे इस टेरेंस गोम्स का पता चला। उसके बाद मैंने उस पागलों की एक्टिंग, मुर्दे के मारने का नाटक किया। अपने सपने के बारे में बताया ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि मुझे इस आगे का दिखता है। भैया को कब्रिस्तान ले जाने के बहाने कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी।
सारी एक्टिंग की जिससे कि लोग मुझे पागल और इस टेरेंस गोम्स को किलर समझे। सब एक ढोंग था। क्या आप भी ढोंग कर रहे हैं या सचमुच भैया आपके सपने में आए थे? पलस्त्री, मुझे तो सपने ही नहीं आते। जो लोग सत्य की लड़ाई लड़ते हैं बहुत चैन की नींद सोते। लेकिन केडी, ये तुम्हें कैसे पता चला? पिछली सुनवाई के बाद यारों, जब पलस जी ने मुझे एक और इनके सपनों का विवरण दिया, जिसमें इन्होंने मुझे बताया कि इनके भाई अंकित दो फूलों की माला लेकर गए थे, किंतु पुलिस को तो एक ही मिली थी यारों, तो दूसरी माला के बारे में इन्हें कैसे पता चला? इसी कारण से योर ऑनर, मैंने अपने सहायक वरुण को इनकी गाड़ी के जांच के लिए भेजा, और फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और पलस्ती आपके सामने। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। ये अदालत मिस्टर पलाश अरोरा को उनके भाई अंकित अरोरा के कत्ल के इल्जाम में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है, और मिस्टर टेरेंस गोम्स को इस केस में निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर पाठक। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, वो ब्रेसलेट आप मुझे दे सकते हैं? क्यों, वो ब्रेसलेट आपको नहीं पहनना चाहिए। उसको पहनने से सपने आते हैं। हो सकता है आपके सपनों में मैं आ जाऊं। कुछ भी हो सकता है।